हेलो एवरीवन, आई एम योर लविंग हार्दिक कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? सो एक और नया दिन और एक और नई जर्नी आज जूनागढ़ शहर के बहुत ही ज़्यादा फेमस शक्करबाग जू घूमने के लिए मैं आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सालों पुराना है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी। वैसे छोटा सा था तब, शायद फैमिली के साथ आया था, फिर तो कभी नहीं आ पाया यहाँ। वैसे जूनागढ़ भी मैं काफ़ी ज़्यादा सालों बाद आया हूँ, तो डेफिनेटली वो पुरानी यादें रीमेमोराइज करना तो डेफिनेटली बनता है शक्करबाग जू के साथ। तो टिकट मैंने खरीद ली है, इट्स कॉस्ट मी 30 रुपीज़, 30 रुपये की पड़ी। और यहाँ का टाइम होता है सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है तो लेके शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। बच्चों के लिए कम टिकट है और छोटे बच्चों के लिए मुफ्त है। और फोटोग्राफी वगैरह आप कैमरा वगैरह से करना चाहे तो उसके लिए सदा चार्ज लगता है, बट मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कोई चार्जेबल नहीं है तो अच्छा है। इसके अलावा इनकी यहाँ सफारी भी चलती है जो फिलहाल बंद है उधर, अदरवाइज आपको बस के अंदर बिठा के अंदर जंगल में दूर थोड़ा लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें एडवेंचरस थोड़ा रियल फील आता है। और ये प्यारे प्यारे शेर को आप देख सकते हैं, ये इसका यहाँ एंट्रेंस है, तो टिकट दे के मैं जाऊँगा अंदर। तो चलिए फिर चलते हैं घूमने शक्करबाग जू जूनागढ़। ये सब बाहर रहने वाले पंछियों को इन सबसे कुछ ज़्यादा ही जलन होती होगी, सोचते होगे कि इन सबको मुफ्त में खाना जो मिल जाता है, बट इन पगलों को कौन समझाए कि ये मुफ्त का खाना काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि इस खाने की कीमत है आज़ादी, एंड फ्रीडम इज़ एवरीथिंग। तो आज़ादी से महंगा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। So always work for a freedom, not for a food. दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपको पता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ जू ही एक ऐसी जगह है जहाँ का हर एक प्रिजनर इनोसेंट होता है। वैसे तो नहीं आना चाहिए जू, बेचारों के साथ काफ़ी गलत होता है, बट अब इनको देखने के लिए जंगल भी तो नहीं जा सकते।
गाइस घूम रहा हूँ काफी ज्यादा बड़े सक्करबाग जू में। ये सांपों वाला सेक्शन था, सब सांप रखे हुए, बट वो सब कांच में रखे हुए हैं और दिक्कत ये है कि कांच ठीक से साफ नहीं किए हुए तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा, मतलब मुझे भी नहीं दिख रहा, तो मैं आपको शूट करके तो क्या इसमें ज्यादा कुछ दिखाऊं। और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूसरी दी हुई है वगैरह वगैरह, और इतना कुछ मतलब मैनेज नहीं है यार, मतलब पता नहीं चलता, थोड़ा देर इधर से जाओ तो ये सब चीज़ें हैं, फिर इधर भी रखा हुआ है, फिर गोल घूम के आना, ऐसा कुछ है नहीं, बीच में से एग्जिट का रास्ता आ जाता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही अनशन किधर भी घूम रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आप सबों के लिए थोड़े से। आई होप सो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। दैट्स इट गाइस, सक्करबाग जू देख लिया पूरा, तकरीबन 1.25 घंटे 2.5 घंटे में रुका। वैसे आप चाहे तो 1 घंटे में भी देख सकते हैं, वैसे बड़ा तो है काफ़ी, बट मैं कुछ अलग अलग शॉट्स के लिए दोबारा घुमा, कुछ देर बैठा ऐसे ही वगैरह वगैरह और शूट किया, फिर साथ में घूमना भी तो होता है, तो सब मिला के थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। और कुछ कुछ जगह अभी बंद भी रखी हुई है क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद कुछ टाइम पहले ही खुला है इसलिए, तो फिर देखते एक और जगह जाना है घूमने, फिर यहाँ से चले फिर। सो गाइस, वहाँ जू घूम के मैं पहुँच चुका हूँ नरसिंह मेहता का चौराहा। नरसिंह मेहता दरअसल गुजराती साहित्य के काफ़ी ज़्यादा बड़े विद्वान या महान शख्सियत थे, जिसने काफ़ी सारे डिवोटेड सॉन्ग, भजन कीर्तन की रचना वगैरह की थी, और काफ़ी बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के। तो ये उनका चौराहा है ये वाला, और एक वहाँ पुराना मंदिर बना हुआ है, और ये गेट आई थिंक सबसे पुराना है, और इस ओर बना है उनका मंदिर है, और छोटा सा एक म्यूजियम टाइप, और ये बड़ा सा बिल्डिंग बना है अभी,
वहाँ बात हुई तो अभी वो बोले टेम्पररी बंद है, मतलब कि बिल्डिंग बन गया पर अंदर पूरा जो सेटअप होना चाहिए म्यूजियम के हिसाब से वो नहीं हुआ, जो कि इन फ्यूचर कुछ टाइम में होगा। तो आप आएंगे तो मे बी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा देखने को, आई होप जल्दी से हो जाए। तो सिंपल सा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ एंट्री टिकट नहीं है, बट शायद ये शुरू हो फिर कुछ कह नहीं सकते, बट जो अंदर वहाँ छोटा सा बना है उसका तो कुछ एंट्री फीस नहीं है और मंदिर है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 15-20 मिनट मैक्सिमम आप आराम से देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। तो टाइम है ऐसा एक्स्ट्रा तो आ सकते हैं, क्योंकि लोकेशन भी थोड़ी ओकवर्ड है तो रिक्शा वाले भी आने में थोड़ी सी माथापच्ची करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं। और फिर मुझे यहाँ से जाना है ऊपर फोर्ट, बट जो कि अभी बंद है और रड़ी कड़ी नहीं हुआ। तो ये दोनों जगह काफ़ी अच्छी है, हेरिटेज साइट है स्टेप वेल अडीकड़ी एंड ऊपरकोट फोर्ट किला जूनागढ़ का, बट दोनों ही इस वक्त पहले कोरोना की वजह से बंद थे और अभी मेंटेनेंस इश्यू की वजह से बंद है तो वहाँ पे तो नहीं जा पाएगी अभी, अब देखते हैं फिर। करने के लिए आया था उत्सव रेस्टोरेंट करके है जो जूनागढ़ बस स्टॉप है उसके ठीक सामने, जो मैंने पहला फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपने मैंने जूनागढ़ का देखा होगा, भावनगर जब मैं जूनागढ़ आया था वो वाला, तो खुदा हुआ पटेल डाइनिंग हॉल में खाना खाने गया था। तो उसी कॉम्प्लेक्स के पीछे की साइड थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर बना हुआ है ये उत्सव रेस्टोरेंट, और इनका यहाँ एक होटल भी है रहने के लिए अगर आप चाहे तो वहाँ पर किया अभी लंच, क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया था आपको कि वो फोर्ट वगैरह तो सब बंद है तो मतलब नहीं था। तो मैंने खाई पंजाबी थाली जो कि मुझे पड़ी 170 रुपये एंड काफ़ी बढ़िया फूड है, मज़ा आया मेरे को, इट वाज रियली टेस्टी एंड स्पेशली पंजाबी सब्जी वाज ऑसम, तो ट्राई कर सकते एंड फिक्स थाली वाज सफिशियंट टू टमी फुल। तो गुजराती काठियावाड़ी भी मिल जाता है बट पंजाबी मुझे ज़्यादा बेटर लगा, दिखा था थोड़ा बहुत आपको थाली वगैरह कैसा रहा, वैसे मैंने खा चुका हूँ ऑलरेडी बट आपको शूट कर लिया था तो फिर दिखा देता। अचार है, दाल फ्राई, प्लेन राइस, एक वेज सब्जी, एक पनीर सब्जी और पापड़ चटनी और ये छाछ के साथ परफेक्ट लंच मील।